नमस्कार, रजत रॉय एक्टर्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है। आज मैं आया हूं मिनी वृंदावन में है, जो कि पालघर स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। आप जबरदस्त नजारा, बहुत अच्छा और बहुत सुकून वाला नजारा है ये। आप ट्रेन से पालघर में उतर के वहां तक वाड़ा तक का बस लेना पड़ेगा, वहां से फिर आपको रिक्शा मिल जाता है। तो आज जो हम इस ब्लॉग में बात करेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन, जो मिनी वृंदावन है, बिल्कुल वृंदावन की तरह सारे कुछ वैसे ही जो कि हम वृंदावन में देखते हैं। हर तरह की फैसिलिटी थी यहां पर, और मुझे एक टाइम कहा गया था कि जहां पर कोई गाइड हमें मिलेगा जो थोड़ा सा आइडिया देगा, तो उसका टाइम करीब 10:30 को था। मैं गेट तक पहुंच गया और थोड़ा सा हालांकि लेट हो गया था, लेकिन मैं उस गाइड तक पहुंच गया जहां पर कुछ और भी लोग थे। चौथा अध्याय में सातवां और आठवां श्लोक आता है भगवान की बात। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम देने के लिए आते हैं। कलियुग का एक धर्म है हरि नाम संकीर्तन, कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम कविलम कलो राधा श्याम सुंदर राधा दामोदर राधा मदन मोहन राधा रमन राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ राधा गोविंद, ये दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भगवान के यहाँ पे लीलाओं की झांकियां हैं, मूर्तियां हैं, तो कई चीजों का हमें ख्याल। 5 प्रकार के यहाँ कृपा भी है। तो पहला है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे लीला करते हैं भगवान, तो शाश्वत वृंदावन जो है गोलोक वृंदावन, वही भगवान शाम को राधा कुंड है, 12 वन है 12। इन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड कर दिया और हम चलने लगे इस मिनी वृंदावन में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आगे हम हरे कृष्णा हरे रामा धुन सुनाएंगे। इस मिनी वृंदावन की वाइब्रेशन बहुत तगड़ी है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। कृष्ण की झांकियां हर जगह मौजूद थी, गोपियों के साथ नृत्य करते हुए कृष्ण जी, और बिल्कुल वही नजारा इस तरह की झांकियों के माध्यम से ये कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में इस मिनी वृंदावन में बताया गया है। कृष्ण भगवान के साथ जो भी घटनाएं घटी थी उस समय, उसे अलग अलग रूप में दिखाया गया है मिनी वृंदावन में। ये जो कालिया दमन जो हुआ था उसके बारे में था, बड़े अच्छे से दिखाया गया। इधर मुझे आवाज आ रही थी कुछ हरे कृष्णा धुन की, मैं उस रास्ते निकल गया खोजते हुए। मैंने देखा कई फॉरेनर्स जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं यहां पर थे, और हर एक कृष्णा धुन में नृत्य कर रहे थे, गाना गा रहे थे। और क्या, मुझे बड़ी तसल्ली मिली और मैं इनके साथ जुड़ गया। ओम
इनका जो भाव है कृष्ण के प्रति वो सच में काबिले तारीफ, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा धुन में ही इतनी ताकत है जो आपके रोए रोए में समा जाती है। चलिए अब हम हरे रामा हरे कृष्णा धुन के साथ रहते हैं।
अब हमारे चलने का वक्त हो गया है, फिर भी जाते जाते कुछ और भी चीज़ें हम देखना चाहेंगे, यहाँ की जो शांति है उसको महसूस करना चाहेंगे, प्रकृति की आवाज़, एक ज़बरदस्त अनुभव। यहाँ पर कुछ बंगलोज दिखे जहाँ पर कई भक्त गण आकर रुक सकते हैं, हालांकि एक अलग जगह भी है जहाँ पर सारे भक्त गणों का जो खाना प्रसाद जो कि मुफ्त में मिलता है वो उपलब्ध है, रहने के लिए थोड़ा सा महंगा है लेकिन ज़बरदस्त बहुत सुंदर ये मिनी वृंदावन। जाते जाते और भी दोबारा मैं इन झांकियों के पास गया और वो अपने खुद के कदमों की आवाज़ को सुनने की कोशिश किया, अपने आत्मा से बात करने की कोशिश किया और धीरे धीरे मैं उस स्थान में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद वापस आने लगा। इसी बीच में आते आते प्रभुपाद जी का मंदिर मुझे मिला, हालांकि ये शुरू में ही है, एंट्री के समय ही मैंने देखा था लेकिन मैं बाद में आया। यहाँ पर थोड़ी देर मैंने वक्त गुजारा, थोड़ा ध्यान किया और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर एक ध्यान बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि हम जब घर में ध्यान करते हैं तो उतना वो ऑरा या प्रकृति का सपोर्ट नहीं मिलता है। खैर अब जाने का वक्त हो गया, जाने का तो मन नहीं कर रहा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के एक्टर्स की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को मैं पोर्ट्रेट करता रहता हूँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से, और मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।